Hi guys, this is Anjali. Hope you are doing well and welcome back to Anjali's Beautiful Sky. So guys, आज हम बात करेंगे US में elementary school यानी कि primary school के admission और process के बारे में. तो yes, आज मैं आपसे share करूंगी दक्ष के first school admission का process, जो हमने क्या क्या किया, क्या क्या formalities थी. So चलिए start करते हैं. So guys, जैसे कि COVID-19 की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड आजकल ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं. स्कूल बहुत सारी कंट्रीज में बंद हैं, कहीं पर ओपन भी हैं तो थोड़े बहुत. तो यस, यहाँ पे हमारी जो भी अभी फॉर्मेलिटीज हुई वो सारी की सारी ऑनलाइन थी. एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो स्कूल है वो आपको आपके एरिया के अकॉर्डिंग मिलता है. इंडिया की तरह यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप चाहे जिस भी एरिया में रहे, बट आप अपनी चॉइस एंड बजट के अकॉर्डिंग कोई भी स्कूल अपने घर के पास या दूर का चूज कर सकते हैं. नो, यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पर आपको आपके एरिया के अकॉर्डिंग ही जो उस पर्टिकुलर एरिया में कुछ दो चार जितने भी स्कूल्स आते हैं वो आपको उन्हीं में से स्कूल सेलेक्ट करने होते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है गवर्नमेंट की तरफ से. गाइस, अभी हमें मिजोरी स्टेट में एंड आई थिंक यूएसए में सारी जगह पे जो एलिमेंट्री स्कूल के एडमिशन प्रोसेस है वो सेम ही होते होंगे. सो यहाँ पे मिजोरी स्टेट में जो मेन स्कूल है या जो मेन ब्रांड है, दैट इज पार्कवे स्कूल. और फिर उस पार्कवे स्कूल के अंदर बहुत सारे स्कूल्स लिस्टेड हैं. अकॉर्डिंग टू योर एरिया आपको अपना स्कूल सेलेक्ट करना होता है. तो सबसे पहले हमने पार्कवे स्कूल की साइट पे जाके जो ऑनलाइन फॉर्म था वो फिल किया. बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म था, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें फिल करनी थी अबाउट द चाइल्ड, अबाउट द पेरेंट्स, बच्चे का मेडिकल इंश्योरेंस है कि नहीं, उसका वैक्सीनेशन डिटेल, बहुत सारी चीजें थी. तो वो फॉर्म फिल करने के बाद जब हमने सबमिट किया तो हमें पार्कवे स्कूल से मेल आई, इवन कॉल भी आया. तो उन्होंने काफी कुछ बातें हमसे की, कुछ डिटेल हमसे ली और उसके बाद हमें सेलेक्ट करना था अपना स्कूल. सो अकॉर्डिंग टू दिस एरिया, जो भी इस एरिया के अंडर स्कूल आता था, दैट इज मैकेलवे स्कूल, वो हमने चूज किया दक्ष के लिए. एंड यहां पे मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको मेंशन करना चाहूंगी कि यहां पर हर स्कूल को उसकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग ग्रेड मिलती है, कैसा उसका एकेडमिक है, क्या उसने प्रोग्रेस की है. तो 1 to 10 के बीच में ग्रेड मिलती है हर स्कूल को. तो जो 6 तक के स्कूल एवरेज माने जाते हैं, 6 से नीचे बिलो एवरेज, एंड फिर 7, 8, 9 और 10 की रैंकिंग वाले स्कूल्स अच्छे माने जाते थे. तो मैकेलवे स्कूल जो ये है, जो हमने दक्ष के लिए चूज किया है, इसकी रेटिंग बहुत अच्छी थी, 9 रेटिंग है. एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल प्राइमरी स्कूलिंग के लिए. तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने इस एरिया में घर लिया था क्योंकि हमें इस स्कूल में एडमिशन चाहिए था. अगर हम किसी और एरिया में घर लेते तो शायद हमें ये वाला शायद क्या है? तो फिर हम इस स्कूल के लिए अप्लाई नहीं कर पाते. तो यस, तो अकॉर्डिंग टू दिस एरिया हमने उसका स्कूल चूज कर लिया. एंड देन फिर जब उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया वो मेल उस पर्टिकुलर स्कूल में जहां पे हमें एडमिशन लेना है, तो उस स्कूल से, मैकेलवे स्कूल से हमें मेल आया, प्लस पर्सनली हमें प्रिंसिपल का कॉल आया. सो दिस इज वेरी गुड गाइज. यहाँ पे इससे पता चलता है कि एक एक बच्चे को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, कितना पर्सनली ट्रीट किया जाता है, कि खुद हमें प्रिंसिपल का कॉल आया अबाउट द ऑल डिटेल. बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने हमें सारी चीजें समझाई. तो यस, यहाँ पर दो ऑप्शन हमें दिए गए हैं. यहाँ पर अभी भी यूएसए में इन पर्सन क्लासेस, दैट मीन्स कि स्कूल जाके भी क्लासेस हो रही हैं, बट वो सिर्फ ट्वाइस अ वीक, यानी कि हफ्ते में 2 दिन. तो उन्होंने हमें दोनों में से एक ऑप्शन चूज करने को बोला. फर्स्ट कि इन पर्सन, जो कि हफ्ते में 2 दिन क्लासेस होंगे जिसमें दक्ष को स्कूल जाना पड़ता है, और दूसरा वर्चुअल क्लासेस, दैट मीन्स कि ऑनलाइन क्लासेस. तो ऑब्वियसली आजकल कोई भी कोविड की वजह से रिस्क नहीं लेना चाहता है, अपने बच्चे को रिस्क में हम ऑब्वियसली नहीं डाल सकते. तो हमने भी वर्चुअल क्लासेस का ऑप्शन ही चूज किया. उसके बाद सारी फॉर्मेलिटीज होंगी, दक्ष की फॉर्म वगैरह फिल हो गए, उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे हमने ऑनलाइन अपलोड कर दिए. सो गाइस, फॉर्म फिल करके और जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो अपलोड करके दक्ष का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया. सो अब बारी थी दक्ष की स्कूल की किट की, जिसमें उनका उसका सारा एजुकेशन मटेरियल वर्चुअल स्टडीज से या क्लासेस से रिलेटेड सारी चीजों से मिलनी थी. तो वो नॉर्मली स्कूल जाना पड़ता है कलेक्ट करने के लिए, लेकिन अगेन उन्होंने, हमारे प्रिंसिपल ने बोला कि चलिए हम आपके घर पर ये सारी चीजें खुद ही डिलीवर कर देंगे, सो दैट कि आपको स्कूल नहीं आना पड़े. तो दिस इज वेरी गुड. मतलब मैं बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड हुई हूँ. इतना अच्छा जो आपको ट्रीट किया जाता है यहाँ पे, स्पेशली स्कूलिंग के मामले में, बच्चे के स्कूलिंग इज वेरी गुड और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एक एक बच्चे को, वो देख के मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ.
तो उन्होंने बोला कि वो हम सारी चीज़ें जो उसकी किट है, एजुकेशनल मटेरियल है, वो आपके घर में डिलीवर कर देंगे। एंड यस, बच्चे का उसके टीचर के साथ में एक इंट्रो सेक्शन होता है जो कि सो दैट कि टीचर और बच्चा एक दूसरे को जान पाए और टीचर ये देख पाए कि बच्चा किस लेवल में है, उसको किस टाइप से स्टडी करानी है। तो इसके लिए भी बच्चे को स्कूल ही जाना पड़ता है, बट अगेन प्रिंसिपल ने बोला कि बिकॉज ऑफ कोविड और आपको भी वहां पे आना पड़ेगा, इट्स बेटर कि वो खुद टीचर को घर भेज रहे हैं विद द एजुकेशनल दक्ष की जो स्कूल की उसकी क्लास की जो किट है उसके साथ में आज टीचर घर पे आने वाली हैं, दक्ष की स्कूल टीचर, क्लास टीचर। सो यस, आई एम वेरी एक्साइटेड। शाम को 4 to 4:15 का अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ है और यहाँ पे बहुत पंक्चुअल होते हैं लोग, तो 4 बजे टीचर घर आएंगी किट के साथ और दक्ष के साथ एक उनका इंट्रो सेक्शन भी, इंट्रो सेशन होगा। सो लेट्स सी क्या क्या पूछती हूँ दक्ष से और कैसा होता है वो इंट्रो सेशन। तो इसके बाद का वीडियो मैं आपको बाद में बताती हूँ जब टीचर आ जाएगी और हमें एजुकेशन की किट रिसीव हो जाएगी इसके बाद। सो गाइस, दक्ष का जस्ट सेशन कंप्लीट हुआ है उसकी टीचर के साथ, अभी भी टीचर घर आई थी। तो दक्ष मुझे बताया, किसी से पूछती हूँ, कैसा लगा आपको? अच्छा। और आपको अपनी टीचर कैसी लगी? सही। वो खा गया जो मैम ने दिया था, वो सारे इधर है इसकी किट। ये अपनी किट को लेके ज्यादा एक्साइटेड है। सो दक्ष इज वेरी एक्साइटेड से बिल्कुल वेट नहीं कर हो रहा है, सारा सामान अभी निकाल के देख रहा है जो जो चीजें मिली है। तो ये दक्ष को ये भी मिला है स्कूल की तरफ से, अभी टीचर लेके आई थी दक्ष का फर्स्ट लैपटॉप। और साथ में इसमें उन्होंने ये पूरा प्रोसीजर दिया है कि कैसे वो क्लास से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो जूम ऐप के थ्रू कनेक्ट होगी इसकी ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, जो टीचर आई थी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही काइंड थी और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत डिटेल में, छोटी छोटी डिटेल्स भी उन्होंने बहुत अच्छी से ब्रीफ में बताई है। इवन कैसे लैपटॉप ऑन करना है, कैसे आपको जूम ऐप में यू नो लॉग इन करना है, उसके बाद क्या होगा, इतना मतलब बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह समझा रही थी। तो दिस इज वेरी गुड कि इतनी छोटी छोटी चीज को भी इम्पोर्टेंस दी। सो दक्ष के साथ जो उनका सेशन था वो उसे EL सेशन कहते हैं आई थिंक। वो बेसिकली अगर कोई बच्चा आउट ऑफ US का है तो वो उनका देखते हैं कि उनका इंग्लिश पे कितना कमांड है, कितना अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। सो उसके अकॉर्डिंग उनकी वो एजुकेशन डिसाइड करते हैं कि किस टाइप से उनको यू नो समझाना है, किस टाइप से उनकी क्लासेस लेनी है। तो दक्ष ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया, जो भी क्वेश्चंस उन्होंने पूछे वो अच्छे से उसने रिप्लाई किया। सो दक्ष, यस, बहुत अच्छा किया, गुड जॉब यू हैव डन। तो आपको अच्छी लगी अपनी टीचर? और ये यो माय गॉड, इट सुपर एक्साइटेड हो गया है। मतलब सारा चीज हमने सोचा था कि रात में आराम से बैठ के ओपन करेंगे, बट इसने सब कुछ बाहर निकाल दिया। तो मैं थोड़ा सा इसके साथ देखती हूँ क्या क्या चीजें हैं इसके इस सारे यू नो किट के अंदर। ये देखिए इसकी किट में कार्ड्स भी, आई डोंट नो इसका क्या यूज होगा, बट ये प्लेइंग कार्ड्स भी दिए इसको। और ये इतना सारा सामान है, बहुत सारे यू नो एजुकेशनल टूल्स, गेम्स, कलर, ग्लू, क्रेयॉन और भी बहुत सारा कुछ है। मतलब बहुत ही फन लर्निंग होने वाली है ना दक्ष, मजा आने वाला है ना पढ़ाई में। तो कल मॉर्निंग में 8:30 से दक्ष की फर्स्ट क्लास स्टार्ट है, देखते हैं कैसे रहती है इसकी फर्स्ट क्लास। तो उससे पहले हमें इसका लैपी ऑन करके उसमें जूम ऐप में लॉग इन करके सब कुछ देखना है, सेट करना है। सो दक्ष तो आई होप एक्साइटेड होगा, बट इससे ज्यादा एक्साइटेड मैं हूँ। सो गाइस, ये था मेरा यू नो एक्सपीरियंस दक्ष का फर्स्ट स्कूल एडमिशन USA में। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल होगा, जो भी इन फ्यूचर USA में आना चाहते हैं और क्यूरियोसिटी या क्वेश्चंस हैं उनको उनके बच्चे के स्कूल एडमिशन से रिलेटेड। आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल होगा गाइस ये वीडियो। तो यस, अगर आपको पसंद आया है, यूजफुल लगी है इन्फॉर्मेशन, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को जरूर बजा दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे यूजफुल वीडियोस लेके आती रहूंगी अपने चैनल पे। प्लीज सब्सक्राइब अंजलि'स ब्यूटीफुल स्काई।